Okay, now let us learn the basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem. Now, first let us write the statement of this theorem. सबसे पहले हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब क्या, किस तरह से इसे डिफाइन किया गया है. द डेफिनेशन, द स्टेटमेंट फॉर दिस थ्योरम इज, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other two sides at distinct points then the other two sides are divided in the same ratio. Okay. Let us understand this theorem, let us understand the statement. ये statement कहती है कि if a line drawn parallel to one side of a triangle, एक triangle में तीन sides होती हैं, किसी भी एक side के parallel अगर मैं एक line draw करूं, such that line, okay, which is parallel to one of the side of the triangle, if that line intersects the other two sides at two distinct points, okay, it is intersecting the other two sides at two distinct point, two different points, okay, then the other two sides, okay, which other two sides? The sides at which that parallel line is intersecting, then the other two sides are divided in the same ratio, okay, the other two sides are divided in the same ratio, that is they are proportional, okay. Now let us understand this by diagram. If I draw a triangle like this, let us say this is a triangle ABC. Okay, it is a triangle ABC, and it says if a line drawn parallel to one of the side of the triangle, to koi bhi ek side ke parallel hum ek line banate hain. Kaun si side le sakte hain? Let us say BC. मैं BC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं. BC साइड के पैरेलल कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे? एक लाइन आप इस तरह से बना सकते हैं, दिस इज पैरेलल टू BC, एक लाइन इस तरह से बना सकते हैं, ओके, एंड मेनी लाइंस. इस लाइन के पैरेलल में कितनी भी लाइंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं. लेकिन हमें कौन सी लाइन कंसिडर करनी है? हमें वह लाइन कंसिडर करनी है, the line drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides, okay. हमें एक ऐसी लाइन को कंसिडर करना है, हमें इन पैरेलल लाइंस में से उस पैरेलल लाइन को चूज करना है विच इज इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, ओके, जो कि अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है. सो आई कैन चूज अ लाइन लाइक दिस. मैं इस तरह से एक लाइन को चूज कर सकता हूं, ओके, दिस इज अ लाइन, लेट अस से एल, दिस एल लाइन इज पैरेलल टू बीसी एंड इट इज इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, तो ये अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर और यहां पर. सिमिलरली मैं एक और लाइन ड्रॉ कर सकता हूं लाइक दिस, विच इज लेट अस से एम. यू कैन सी लाइन एम को भी मैंने बीसी के पैरेलल बनाया है, और लाइन M भी इस BC के पैरेलल होने के साथ साथ दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है.
कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस ए पॉइंट पे, जहां पर दोनों साइड्स मीट हो रही हैं, उस पॉइंट पे ये लाइन एम इस इन दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है. लेकिन दिस ए पॉइंट, इफ दिस एम इज इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट ए पॉइंट, तो ए बी साइड के लिए भी क्या हुआ, ए बी साइड को भी लाइन एम ए पे इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी साइड को भी लाइन एम ए पे ही इंटरसेक्ट कर रही है. लेकिन थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम सेज कि द अदर टू साइड्स, ओके, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे बीसी के पैरेलल, वह लाइन दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट तो करना ही चाहिए, साथ में दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना चाहिए. सो इट मींस मैं यहां पर इस एम लाइन को कंसिडर नहीं कर सकता, मैं इस तरह से पैरेलल लाइन को ड्रॉ करके उसे कंसिडर नहीं कर सकता. मुझे एक ऐसी लाइन कंसिडर करनी है जो कि दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और वह है लाइन L. इस A से लेके BC तक इस लेंथ में, ओके, इतने एरिया में आप कहीं पर भी लाइन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, ये रैंडमली मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, आप चाहें तो L को थोड़ा सा नीचे बना लीजिए या थोड़ा सा ऊपर बना लीजिए, लेकिन कंडीशन क्या है, आप L को BC के ऊपर नहीं बना सकते और ना ही आप उसे ए पॉइंट से पास होता हुआ बता सकते हैं. ओके, आपको एक ऐसी लाइन लेनी है जो कि दोनों साइड्स को दो अलग पॉइंट्स पे ही कट कर रही हो. मैं एक लाइन ऐसी भी बना सकता हूं लाइक दिस, अगर इस तरह से लाइन ड्रॉ करूंगा तो अगेन यह लाइन भी दोनों साइड्स को दो अलग पॉइंट्स पे कट करेगी, तो मैं उसे कंसिडर कर सकता हूं. सो फॉर दैट आई हैव ड्रॉन, आई हैव चूजन दिस लाइन, लाइन एल. ओके, मैंने इस लाइन को चूज किया है. नाउ लेट अस से कि ये लाइन L AB को E पॉइंट पे कट करती है और AC को लेट अस से F पॉइंट पे कट करती है. ओके, क्या कहा हमने, यह लाइन L AB को E पॉइंट पे कट करती है और AC को F पॉइंट पे कट करती है. अब थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है जो कि दो अदर साइड्स को अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, then the other two sides are divided in the same ratio. Okay, then the other two sides मतलब AB और AC, AB और AC अलग अलग रेशियो में नहीं बल्कि सेम रेशियो में डिवाइड होगी. हम देख सकते हैं E point AB line को डिवाइड कर रहा है. So what is the ratio? I will say the ratio of this division will be AE upon EB. Okay, this is the ratio of this division of AB. AB को हमने दो टुकड़ों में बांटा तो कैसा रेशियो बना, AE upon EB. Similarly, F point AC line को कट कर रहा है, AC line को डिवाइड कर रहा है दो parts में, they may not be equal. Okay, जरूरी नहीं कि ये दोनों parts equal हो, तो AF और FC दो इसके parts बन रहे हैं. So what will be the ratio of the division? I will say AF अपॉन एफ सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन का डिवीजन. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, आई कैन वेरी इजीली से दैट ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी, सॉरी ए सी ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी. This is the statement, this is the mathematical representation of basic proportionality theorem. Okay, this is very very important theorem. बहुत ही ज़्यादा important है ये exam point of view से, and not even exam point of view, practically जब आप mathematics में और detail में पढ़ेंगे, इनकेस अगर आप 11th 12th class में mathematics लेते हैं तो वहां पर भी यह theorem आपको बहुत ज़्यादा use आएगी. That's why यहां पर हमने लिखा AE upon EB is equals to AF upon FC. ओके, यह थ्योरम आपको सरफेस एरियाज इन वॉल्यूम्स वाले चैप्टर में भी जब हम
फ्रस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जब हम फ्रस्टम का वॉल्यूम डिराइव करेंगे वहां पर भी ये थ्योरम एज इट इज यूज होगी. ओके, सो प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली, प्लीज लर्न दिस थ्योरम प्रॉपरली. ओके, प्लीज लर्न इट्स स्टेटमेंट, प्लीज लर्न इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड नाउ वी विल लर्न हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, द डेरिवेशन ऑफ दिस थ्योरम. इस थ्योरम का हम डेरिवेशन भी सीखेंगे. ओके, सो लेट मी रिपीट इट वंस अगेन. मैं कहना चाहता हूं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बताती है, कि अगर मैंने किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी जो कि दो अदर साइड्स को, क्योंकि ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं इसीलिए एक साइड के पैरेलल जो लाइन है वह बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन यह लाइन इन दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. ओके, दैट इज ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी. यह कंडीशन हमेशा फॉलो होगी अगर ये एल लाइन इस बी सी के पैरेलल है. अगर मैं इसे नीचे शिफ्ट करता हूं, थोड़ा सा नीचे खसकाता हूं, तब भी जो डिवीजन होगा वह बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगा. अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूं, तब भी जो डिवीजन होगा वह बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगा. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू प्रूव दिस थ्योरम, हाउ टू प्रूव दिस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. इस कंडीशन को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं. फॉर दैट वी विल ड्रॉ सम lines, we will have some construction in this particular derivation. So let us see what are constructions. हम कुछ constructions करते हैं, कुछ basic constructions. Construction में हम एक perpendicular draw करेंगे इस F point से on this AB. हम इस ए बी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस एफ पॉइंट से, एंड लेट अस से दिस इज पॉइंट एम. ओके, एंड सिमिलरली, सो इसे पहले हम लिख लेते हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एफ एम सच दैट एफ एम is perpendicular to AB. Okay, FM नाम का हमने एक perpendicular draw करा which is perpendicular to AB. Similarly, हम इस E point से एक perpendicular draw करेंगे on this AC. इस AC पर भी हम एक perpendicular draw करेंगे and we name this point as point N. Okay, so the next construction is draw a perpendicular, this is point E, N, such that EN is perpendicular to AC. Okay, EN क्या है? AC के perpendicular है. Now, after that, we will join this E point with this C point. And we will join this F point with this B point. This, like this. So the third thing that we will write is join this E and C and this B and F. Okay? हमने तीन construction किए. पहला construction क्या था? इस F point से एक perpendicular draw करा AB के ऊपर. फिर हमने E point से एक perpendicular draw करा AC के ऊपर. EN एक परपेंडिकुलर है विच इज परपेंडिकुलर टू AC, एंड थर्ड थिंग हमने इस B और F को ज्वाइन करा, एंड सिमिलरली E और C को ज्वाइन करा. सो दिस इज हाउ वी हैव डन सम कंस्ट्रक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम, फॉर दिस पर्टिकुलर थ्योरम. नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. देन प्रूफ, नाउ What we need to prove? हमें प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले इसे समझ लीजिए. हमें प्रूफ करना है कि AE upon EB is equals to AF upon FC होता है. यह स्टेटमेंट है, यह मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का. तो हम प्रूफ करेंगे कि हाँ ये चीज सही है. अभी तो हमने सिर्फ लिख दिया कि हाँ ये चीज है,
ये थ्योरम ऐसा कहती है कि हाँ ये स्टेटमेंट होना चाहिए, तो हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करके देखेंगे कि क्या ये थ्योरम सही बोल रही है या फिर गलत। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रूफ। फॉर प्रूफ यू नो अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल? इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके, वी विल गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट कंसिडर द ट्राइंगल ए ई एफ। ओके, वॉट वी विल डू इज वी विल कंसिडर ट्राइंगल ए ई एफ। इन ट्राइंगल ए ई एफ आई कैन सी एफ एम इज द परपेंडिकुलर। ओके, एफ एम क्या है? ट्राइंगल ए ई एफ के लिए एफ एम एक परपेंडिकुलर है। और ए ई क्या है? ए ई इस ट्राइंगल का बेस है। ओके, मैं कंसिडर कर सकता हूं ए ई को बेस, मैं चाहूं तो ई एफ को भी बेस कंसिडर कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ए एफ को भी बेस कंसिडर कर सकता हूं, इट डू नॉट मैटर। नाउ फॉर ट्राइंगल ए ई एफ आई कैन सी दैट एफ एम इज द ऑल्टीट्यूड, ओके, और परपेंडिकुलर, और यू कैन से हाइट। ओके, एफ एम क्या है? एफ एम इस ट्राइंगल में ए ई के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो मैं कह सकता हूं कि एफ एम क्या है? एफ एम इज बेसिकली द एल्टीट्यूड, या फिर परपेंडिकुलर, या फिर हाइट, तीनों में से कुछ भी नाम से मैं इसे बुला सकता हूं। सिमिलरली एफ एम अगर ट्राइंगल ए ई एफ में परपेंडिकुलर है, तो एफ एम परपेंडिकुलर आखिर है किस पे? एफ एम इज परपेंडिकुलर टू ए ई। ओके, ए ई पे एफ एम क्या है? परपेंडिकुलर। सो आई विल से ए ई इज द बेस। इस ट्राइंगल के लिए एफ एम परपेंडिकुलर हुआ। ओके, यू माइट फील, आपको ऐसा लगेगा कि ई एन भी तो परपेंडिकुलर है, सो ई एन को हम बाद में कंसिडर करेंगे, अभी हम पहले कंसिडर करेंगे एफ एम को। एफ एम इज परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड और हाइट, एंड ए ई क्या है? इज द बेस। सो इफ आई आस्क यू वॉट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, इफ आई आस्क यू वॉट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, यू विल से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दैट इज हाफ इंटू बेस। वॉट इज द बेस? बेस इज ए ई, एंड वॉट इज हाइट? हाइट इज एफ एम। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ कितना है? हाफ इंटू ए ई, दैट इज द बेस, इंटू एफ एम विच इज द हाइट, एंड वी नेम दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, it is named as first equation. Now after this consider triangle BFE. Okay, consider triangle BFE, this triangle, this is the BFE triangle. Now what you can see, this BFE is basically an obtuse angle triangle. BFE क्या है? एक obtused angled triangle है. So if I draw it separately, this is your triangle BFE. Okay, this is E, this is B, and this is E. This is B, and this is F. Okay, this is your triangle BFE. Now if I consider कि BE को मैं base मानना चाहता हूं, अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि BE को मैं बेस मानूं, तो फिर हाइट क्या होगी? फिर इस ट्राइंगल की मैं हाइट कैसे नापूंगा? यू कैन सी अगर मैं FB को, अगर मैं इस FB को बेस मानता हूं, तो मैं बड़ी आसानी से E से एक परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर सकता हूं, और मुझे परपेंडिकुलर जो मिलेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। लेकिन अभी मैं EB को बेस मानना चाहता हूं, मैं EB को अगर बेस लेता हूं, देन हाउ आई विल मेजर द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल? So you can see, since it's an obtuse angle triangle, that's why the perpendicular, the altitude of this triangle will lie outside the triangle.
ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या प्रॉब्लम होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है वह ट्रायंगल के बाहर लाए करता है, कभी कभी वह ट्रायंगल के बाहर भी लाए करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ई बी को बेस कंसिडर करता हूं और मैं एफ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकता। देन वॉट विल आई डू, आई विल एक्सटेंड, आई विल रिप्रोड्यूस दिस ई बी, मैं इस ई बी को इस तरह प्रोड्यूस कर दूंगा और फिर यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, एंड दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस पॉइंट इज मार्क्ड एज एम, हमने एम नाम से इस पॉइंट को मार्क कर रखा है। ओके, सो रिमेंबर ट्राइंगल सिर्फ एफ, दिस बी एफ ई इतना ही है, ये एल्टीट्यूड है इस ट्राइंगल का, लेकिन ये ट्राइंगल के बाहर लाए करता है। ओके, सो इन दिस ट्राइंगल आई विल से एफ एम इज द एल्टीट्यूड, या फिर कहें परपेंडिकुलर, या फिर कहें हाइट, किसी भी नाम से आप इसे बुला सकते हैं। ओके, एफ एम इज द एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर और हाइट। सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल इफ दिस इज परपेंडिकुलर देन वॉट इज द बेस, क्या मैं बेस एम बी को मानूंगा, क्या मैं बेस एम बी को ले सकता हूं, नहीं, मैं एम बी को बेस नहीं ले सकता। वाई, बिकॉज मेरा ट्राइंगल है बी एफ ई, सिर्फ इतना ही मेरा ट्राइंगल है, सो ऑब्वियसली एम बी इज नॉट द बेस इज ओनली ई बी, बेस क्या है, सिर्फ और सिर्फ ई बी। सो आई विल से ई बी इज द बेस, ई बी इज द बेस, तो ई बी बेस है, एफ एम हाइट है, सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ ई, देन यू विल से एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इज ई बी इंटू हाइट इज एफ एम। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ ई, हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, दैट इज हाफ इंटू ई बी इंटू एफ एम। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, यहां पर यह एंगल एक ऑप्टिव एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ऑप्टिव एंगल में कभी कभी ऐसा होता है कि हाइट जो है वो ट्राइंगल के बाहर लाइ करती है, अगर ऑप्टिव एंगल इज कंसिडर्ड एज बेस, अगर मैं ऑप्टिव एंगल को एक बेस एंगल की तरह लेता हूं तब ये प्रॉब्लम आता है। अगर मैं बेस इस तरह से लेता, अगर मैं ट्राइंगल को इस तरह से ड्रॉ करता, ओके फॉर एग्जाम्पल दिस, दिस इज बी, दिस इज एफ एंड दिस इज ई, अगर मैं इस तरह से ट्राइंगल को ड्रॉ करता, सो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना आसान होता और परपेंडिकुलर ट्राइंगल के अंदर लाए करता, लेकिन क्योंकि यहां पर इस वक्त बेस में एक ऑप्टिव एंगल आ रहा है, ये बेस एंगल्स हैं बी और ई, ओके दिस बी एंड ई, और ई एंगल एक ऑप्टिव एंगल है, इसीलिए ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है, जो हाइट है, जो एल्टीट्यूड है, वह ट्राइंगल के बाहर लाए कर रहा है। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ ई एंड वी विल नेम दिस एज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, वी विल नेम दिस एज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ लेट अस रब द टू ट्राइंगल्स। Now I have the area of triangle AEF and I have the area of triangle BFE. Now what I will do is I will calculate the ratio of area of triangle AEF and area of triangle BFE. What it will be? Half into AF is what? AE into FM, that is base into height, upon half into EB इंटू एफ एम। ओके, इस तरह से मैं दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को डिवाइड करता हूं, मैंने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ओके, सो दिस ट्राइंगल अपॉन दिस ट्राइंगल, हमने इनको डिवाइड करा, यू विल सी यहां पर हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, एफ एम और एफ एम कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली यू विल बी लेफ्ट विथ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ ई इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी, एंड दिस विल कंसिडर्ड एज थर्ड इक्वेशन, एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट।
आई विल कॉल दिस एज द थर्ड इक्वेशन. ओके, हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि अगर मैं इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल का और इस छोटे ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों के एरिया को डिवाइड करता हूं, सो द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी. ओके, ट्राई टू रियलाइज दिस रिजल्ट. दोनों का एरिया इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी. सो यू कैन सी इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो इस परपेंडिकुलर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. परपेंडिकुलर तो कैंसल हो गया. ओके, जो हाइट है दोनों ट्राइंगल्स की वह हाइट तो कैंसल हो गई. सिर्फ क्या बचा, इस ए ई एफ का बेस और बी एफ ई का भी बेस. ओके, दैट्स वाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन. वी हैव कंसिडर्ड दिस इक्वेशन. अगेन आई कैन सी इन द ट्राइंगल ए ई एफ. अभी हमने ए ई एफ में एफ एम को परपेंडिकुलर माना, हमने एफ एम को हाइट ले लिया. क्या जरूरी है, क्या ऐसा कंपल्शन है कि मैं हर बार एफ एम को ही हाइट लूं? ऑब्वियसली नॉट. मैं किसी भी एक अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर डालूं, ओके, किसी भी एक अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालूं, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द हाइट. ओके, किसी भी वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए अपोजिट साइड पे, यू विल गेट हाइट. ओके, हमेशा वह एल्टीट्यूड ही होगा. सो इन द सेम ट्राइंगल ए ई एफ, नाउ कंसिडर अगेन ट्राइंगल ए ई एफ. फिर से हम ट्राइंगल ए ई एफ को ही कंसिडर करते हैं. इस ए ई एफ ट्राइंगल में यू कैन सी इस ए ई एफ ट्राइंगल में हमने ई वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, दैट इज ए एफ पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ई एन. सो ई एन भी क्या है, ई एन एक परपेंडिकुलर है सेम ट्राइंगल में. सो जैसा एफ एम एक हाइट हो रहा था, उसी तरह से ई एन भी क्या है, इस ट्राइंगल के लिए हाइट. ओके, सो आई कैन राइट ई एन इज द एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर और हाइट. ई एन को भी मैं हाइट कंसिडर कर सकता हूं. नाउ ई एन हाइट है, लेकिन एन कहां पर आ रहा है, एन कौन से साइड के ऊपर लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर कौन सी साइड पे डला है. आई कैन सी ए एफ वाली जो साइड है, ए एफ साइड पे हमने ई एन परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया है. सो आई विल से कि अगर ई एन इज द हाइट, देन ए एफ विल बी द बेस. ओके, एफ एम जब हाइट थी तब ए ई बेस था, लेकिन ई एन जब हाइट हुई तो ए एफ बेस बन गया. ओके, सो आई विल से ए एफ इज द बेस. ए एफ क्या है, बेस है, और ई एन क्या है, हाइट है. सो अगेन इस ट्राइंगल का एरिया मैं फिर से लिख सकता हूं. आई कैन राइट दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, मैं फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ को लिख सकता हूं हाफ इंटू, दिस टाइम द बेस इज ए एफ एंड द परपेंडिकुलर इज ई एन. सो ई एन इज द परपेंडिकुलर एंड ए एफ इज द बेस, एंड आई विल कॉल दिस एज द फोर्थ इक्वेशन. इसे मैं फोर्थ इक्वेशन मानता हूं. नाउ अब यहां पर हमने दो ट्राइंगल्स कंसिडर किए थे, ए ई एफ और बी एफ ई. इन दिस केस, इन द सेकेंड केस, ए ई एफ को हमने अलग तरीके से लिखा, एंड वी विल कंसिडर वन मोर ट्राइंगल, दैट इज सी एफ ई. ओके, सेकेंड केस में हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर ट्राइंगल सी एफ ई. जैसा हमने यहां पर बी एफ ई को कंसिडर किया, उसी तरह से हम यहां पर सी एफ ई को कंसिडर करेंगे. एंड इफ आई ड्रॉ सी एफ ई, इट विल बी लाइक दिस. दिस इज द सी एफ ई ट्राइंगल, दिस इज सी, सॉरी दिस इज एफ, दिस इज सी एंड दिस इज ई. इस तरह से हम ट्राइंगल बना सकते हैं, दिस इज एफ, दिस इज सी एंड दिस इज ई. ओके, नाउ इन दिस ट्राइंगल अगेन वी हैव एन ऑप्टूस एंगल एट द बेस. हमारे पास एक बार फिर से बेस में क्या है, एक ऑप्टूस एंगल है. तो अगर एफ सी एक बेस है, तो फिर हम परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करेंगे? इस वर्टेक्स से हमें अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, लेकिन अपोजिट साइड सिर्फ इतना है एफ सी. सो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम इस अपोजिट साइड को, इस बेस को प्रोड्यूस करेंगे, हम इसे आगे की तरफ मूव करेंगे, इसे आगे की तरफ और स्केच कर देंगे. ओके, एंड फिर हम इस
ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इस तरह से डालेंगे एंड दिस इज द पॉइंट एन. ओके, ट्राई टू एनालाइज दैट फिगर, दैट डायग्राम, दैट ट्राइंगल इन दिस फिगर. इस डायग्राम को यहां पर देखने की कोशिश कीजिए. यू कैन सी एफ सी ई, यह ट्राइंगल है एफ सी ई, और इस एफ सी ई ट्राइंगल में ई एन इज द परपेंडिकुलर. ओके, ई एन क्या है, ई पॉइंट से जो कि इस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है, एफ सी ई सी एफ ई ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है ई. इस ई से मैंने अपोजिट साइड, ई के अपोजिट कौन सी साइड है, एफ सी. ओके, यू कैन सी ई के अपोजिट कौन सी साइड है, एफ सी. एफ सी इज द साइड, बट एन सी, एन सी इज नॉट द साइड. एन सी कौन से ट्राइंगल में है, ई एन सी में, लेकिन हम कंसिडर कर रहे हैं सी एफ ई. ओके, तो दैट्स वाई एफ सी विल बी कंसिडर्ड एज द बेस एंड ई एन विल बी कंसिडर्ड एज द हाइट. सो इन दिस ट्राइंगल आई विल राइट ई एन इज द ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर और हाइट, किसी भी नाम से इन्हें जाना जा सकता है. ओके, सो ये अगर परपेंडिकुलर है देन व्हाट इज द बेस, एफ सी विल बी द बेस. हम कंसिडर करेंगे एफ सी को एज अ बेस. नाउ एफ सी इज द बेस, सो वी हैव हाइट, वी हैव बेस, देन इफ आई वॉन्ट टू राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ ई, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ ई विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस इज एफ सी, इंटू हाइट इज ई एन, एंड दिस इज द फोर्थ, सॉरी दिस इज द फिफ्थ इक्वेशन. ओके, सो वॉट वी हैव इज, वी हैव द एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ ई, दैट इज दिस ट्राइंगल, दिस सी एफ ई, दिस ट्राइंगल. ओके, फॉर दिस ट्राइंगल वी हैव द एरिया एज हाफ इंटू एफ सी विच इज द बेस इंटू हाइट इज ई एन. ओके, नाउ अब हम वही रिजल्ट वापस से, वही स्टेप वापस से दोहराएंगे. कौन सी, हमने यहां पर दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाला और उसे डिवाइड कर दिया एंड वी गॉट दिस रिजल्ट. सो आई विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट फॉर दिस टू ट्राइंगल्स. हम इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए भी वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे. ओके, फॉर दैट आई नीड टू रब दिस मच पार्ट. सो पहले इसे नोट कर लीजिए, पूरी तरह से ध्यान से देख लीजिए जो भी सॉल्यूशन हमने लिखा है. ओके, इफ यू फील दैट कोई एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई छोटी सी चीज छूट गई है, तो प्लीज इस लेक्चर को वापस से प्ले करके देख सकते हैं. ओके, जब आप इसे कंप्लीट, इसे पूरा नोट कर लेंगे. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल रब दिस मच पार्ट, आई विल राइट ऑल द इक्वेशंस हियर. मैं सारी इक्वेशंस यहां पर लिख दूंगा जो भी हमने 5 इक्वेशन सीखी है, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो प्लीज नोट कर लीजिए. ओके, तो हमारे पास ये 5 इक्वेशंस आ गई हैं. ओके, ये 5 इक्वेशंस हमने डिराइव करी हैं. जैसा हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके ये इक्वेशन बनाई, उसी तरह से हम इन दोनों इक्वेशंस को भी डिवाइड करते हैं. वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए एफ इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू एफ सी इंटू ई एन. नाउ यहां पर ई एन और ई एन कैंसिल हो जाएगा, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनल इक्वेशन विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ ई इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी, एंड वी कॉल दिस एज द सिक्स्थ इक्वेशन. हम इसे कहेंगे सिक्स्थ इक्वेशन. नाउ अब बड़े ध्यान से हमें देखना है, ये 6 इक्वेशंस हमने डिराइव कर ली है. नाउ वन मोर ऑब्जर्वेशन इन दिस ट्राइंगल, यू कैन सी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ ई इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी मिल गया. हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ ई इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी मिल गया. तो ए ई अपॉन ई बी यहां पर है, ए एफ अपॉन एफ सी यहां पर है, और हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है. हमारा यही टास्क है कि कैसे भी करके इन दोनों को बराबर बता दिया जाए.
अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, थर्ड और सिक्स्थ इक्वेशंस को, इनके एलएचएस में जब हम देखेंगे, तो एलएचएस में यू कैन सी यहां पर एईएफ और यहां पर भी एईएफ, लेकिन इन द डिनोमिनेटर यू विल फाइंड यहां पर बीएफई है और यहां पर ट्रायंगल सीएफई है। सो इट मींस अगर किसी तरह से मैं ट्रायंगल बीएफई और सीएफई के एरिया को बराबर बता दूं, किसी तरह से इन दोनों के एरिया को मैं इक्वल प्रूव कर दूं, तो क्या मैं ये रिलेशन ऑब्टेन कर पाऊंगा? यस, वेरी इजीली। ओके, सो अब हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है कि किसी भी तरह से आप बीएफई और सीएफई के एरिया को बराबर प्रूव कर दीजिए। नाउ ऑब्जर्व द ट्रायंगल बीएफई एंड सीएफई। ऑब्जर्व द ट्रायंगल बीएफई, दिस इज द बीएफई ट्रायंगल। ओके, एंड ऑब्जर्व द ट्रायंगल सीएफई, दिस इज द ट्रायंगल सीएफई। ओके, बीएफई और सीएफई ट्रायंगल को जब आप बड़े ध्यान से देखेंगे, यू विल फाइंड कि दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए, इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए ईएफ साइड कॉमन है। ओके, ईएफ क्या है? कॉमन साइड है। ईएफ इज कॉमन फॉर ट्रायंगल बीएफई एंड ट्रायंगल सीएफई। ओके, बीएफई और सीएफई के लिए क्या है? यह दोनों, यह साइड ईएफ एक कॉमन साइड है। देन वन मोर ऑब्जर्वेशन, हमने अभी कहा था कि ये जो एल लाइन है, दिस एल लाइन, एल लाइन इज पैरेलल टू बीसी। एल जो लाइन है वह बीसी के पैरेलल है। ओके, दैट मींस ईएफ इज पैरेलल टू बीसी। इट मींस ईएफ और बीसी क्या है? यह दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं। सो ऑब्जर्व द टू ट्रायंगल्स। ओके, ऑब्जर्व द टू ट्रायंगल्स। आई कैन से दैट ट्रायंगल बीएफई एंड ट्रायंगल सीएफई बोथ आर फॉर्म्ड बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस एंड आर विथ द सेम बेस। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हम देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल बीएफई और सीएफई है, यह दोनों ट्रायंगल्स इस, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। कौन सी पैरेलल लाइंस? ईएफ और बीसी। ईएफ और बीसी के अंदर हैं ये दोनों ट्रायंगल्स विथ सेम बेस। ओके, विथ सेम बेस, दैट इज ईएफ। ईएफ इन दोनों के लिए सेम है। सो व्हाट आई कैन सी, द हाइट ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स, द हाइट ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स इज लेट अस से एच। ओके, व्हाई दिस इज हाइट? बिकॉज दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, दैट्स व्हाई अगर मैं ट्रायंगल बीएफई के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अगर मैं ट्रायंगल बीएफई के लिए ईएफ को बेस कंसीडर करूं, तो फिर मैं परपेंडिकुलर कैसा ड्रॉ करूंगा? आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइक दिस। इस बी पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी द परपेंडिकुलर। ओके, एंड द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर विल बी H. सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल CFE को कंसिडर करता हूं, और CFE ट्रायंगल के लिए अगर मैं EF को बेस मानता हूं, इफ EF इज द बेस ऑफ ट्रायंगल CFE, देन द परपेंडिकुलर विल बी दिस वन, देन दिस विल बी द परपेंडिकुलर एंड द हाइट विल अगेन, द लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज H. ओके, व्हाई? बिकॉज EF और BC यह दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, सो सिंस BFE एंड CFE बोथ आर फॉर्मड बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस एंड आर विद द सेम बेस, इट मींस, इट इंप्लाइज बोथ विल हैव सेम हाइट। ओके, बोथ विल हैव सेम हाइट।
So if I ask you the area of triangle BFE for this base, अगर मैं EF को base लेकर और इस H को height लेकर area of triangle BFE निकालता हूँ, then I will say area of triangle BFE कितना आ रहा है? Half into EF into H, okay? और similarly area of triangle CFE अगर हम निकालें, it will be half into EF into H. Okay, दोनों ही ट्राइंगल्स का एरिया हाफ इंटू ई एफ इंटू एच आ रहा है. आई विल कंसिडर दिस एज द सेवेंथ इक्वेशन एंड आई विल कंसिडर दिस एज द एट्थ इक्वेशन. सो यूजिंग द टू इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशन सेवन एंड एट, अगर मैं सेवेंथ और एट्थ इक्वेशन को यूज करता हूं, आई कैन सी दोनों ही इक्वेशंस में आर एच एस सेम है. ओके, दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए ई एफ क्या है? बेस. और ये एच क्या है? हाइट. बिकॉज दोनों पैरेलल लाइंस हैं, बी दिस ई एफ एंड बी सी, और पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट होता है. दैट्स वाई इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन सेवन एंड एट, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ ई विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ. Okay, this is the most important result. I will name this as equation number 9. Now, consider equation number 6 and equation number 9. Okay, consider equation 6 and equation 9. हमने देखा कि BFE और CFE बिल्कुल बराबर हैं. Equation number 6 में हमारे पास area of triangle AEF है और denominator में है CFE. So this equation, this sixth equation, which is area of triangle AEF upon area of triangle CFE. This equation, area of triangle AEF upon CFE, in place of CFE, is CFE की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? BFE. Okay, इस CFE की जगह पे मैं BFE लिख सकता हूँ. So area of triangle AEF upon area of triangle CFE is equals to area of triangle AEF upon area of triangle BFE. मैं इसे लिख सकता हूं area of triangle AEF upon area of triangle BFE, and this is equals to AF upon FC. यह हमें already proof कर दिया है. So this is the equation number 10. Okay? Now observe it very carefully. हमने 10th equation में क्या manipulation किया? हमने इस CFE की जगह पे BFE लिख दिया. Okay? So BFE, AFE upon BFE का value कितना आ गया? AF upon FC. Now observe the 10th equation and observe the third equation. Third equation में AEF upon BFE का value कितना है? AE upon EB. और वहीं 10th equation में AEF और BFE का value कितना है? AEF upon BFE का value AF upon FC. So what should I write? What I can consider? I can see that from equation 3 and 10, from equation 3 and 10, I can write AE upon EB is equals to AF upon FC. And this is the proof for the basic proportionality theorem. This is the mathematical representation of basic proportionality theorem. And this completes the basic proportionality theorem. You can see the derivation is very long. Okay, it's not very long, but still to understand it, to grasp the concept, it take time. Okay, that's why humne bahut dheere dheere bilkul स्लोली इस कॉन्सेप्ट को समझा है, हर एक पॉइंट पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चले हैं. ओके, सो इसे बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए और याद रखिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई विल मार्क अ स्टार एट दिस थ्योरम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस कंप्लीट्स द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. और हमने समझ लिया है इसके स्टेटमेंट को, इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को और इसके प्रूफ को. ओके, सो राइट डाउन दिस प्रूफ एज इट इज. ओके, सो फर्स्ट नोट दिस, देन वी विल कंटिन्यू.